Hello everyone, welcome back to this marathon percentage का previous year questions से चल रही SSC CGL prelims 2006 में 7 में पूछा गया था. In an examination, 60% of the candidate passed in English, 70% of the candidate passed in mathematics, 20% failed in both these subjects. If 2500 candidate passed in both the subject, the number of the candidates who appeared in the examination was. ध्यान से सुनना. हम लोगों को क्या दिया हुआ है? दो पास दिया हुआ, एक फेल दिया हुआ. तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ही फेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, खत्म कहानी. तो दोनों फेल में कन्वर्ट करेंगे मतलब सर ये 60% पास मतलब 30% अच्छा 40% का फेल है. हाँ सर ये इंग्लिश वाले इंग्लिश 40% का फेल. अच्छा यहाँ पे 70% पास्ट मतलब सर 30% फेल है. हाँ सर 30% फेल है. किस में सर? मैथमेटिक्स में. ठीक है ये मैथ में फेल है. अब ध्यान से सुनना कि 20% फेल कर गया बोथ में, तो क्या हम लोग इसको एक ही कॉमन सेक्शन बोल सकते हैं? हाँ सर. तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 40 प्लस 30 क्या हो जाएगा सर? ये सेक्शन होगा प्लस ये सेक्शन होगा, तो हमें ये सेक्शन डबल बार रिपीट हो चुका है, तो माइनस 20 कर लेते हैं. तो 40 प्लस 30 कितना होता है? 70 माइनस 20 मतलब 50%. 50% ऐसा स्टूडेंट है जो कि मिनिमम एक सब्जेक्ट में फेल किया. तो 50% स्टूडेंट क्या हो जाएगा सर? बोथ सब्जेक्ट में पास किया. ठीक है, क्या ये 50% के बराबर दिया हुआ है आपको 2500? हाँ सर 2500, 50% बराबर 2500 दिया हुआ है. तो 100% हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन. तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 5000 आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास.